바드만 나를 불러봤더니 कुसुम का आवाज कर रहा हूँ। सुबह होने को ऐसे चार मिसरे आ रही है, सितारों के रुख की तावानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। क्या कहने वाह 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 वाह, बता रही है सितारों के रुख की तावानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं वो छुप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला है। अली की मदा का सूरज निकलने वाला है। चार मिसरा समाप्त में कर सुनो, नबी की नबूवत को मानने वालों, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम ना लोगे तो डूब जाओ। जीते जी नहीं देखा तो मर के देखते हैं।
को तो हैदर ने भी माना, हम उनसे ये कह देते हैं, हुज्जत नहीं करते। शब्बीर ने सब देके ये दुनिया को बताया, हम लोग कभी कुफ्र की बयत नहीं करते। ये जहर, ये नहर, झील, समंदर, नदी, कुआं, तालाब, सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों, ये नहर, झील, समंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। ये सब तो सदका है कर्बला के प्यासे का, उसे जो छोड़ो तो फिर किसको मुंह दिखाओ। शायरी वाली है बाबा बाबा बाबा, मैं झील समंदर नदी कुआं तालाब इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। मैं झील समंदर नदी कुआं तालाब इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। शायरी वाली है भाई, मैं शायरी वाली है बाबा बाबा, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। ये सबको सदका है कर्बला के प्यासे का, उसे जो छुआ तो फिर किसको मुंह दिखाओगे। जमीन रोती है ये आसमान रोता है, जमीन रोती है ये आसमान रोता है, भले हुसैन ने सारा जहां भाई दिलकेश भाई, आप क्षमा फरमाए। मैडम मैं कदा छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तीन दुनी छह शेर सुनाता हूँ आपको। कर्बला से सफर शुरू करता हूँ, क्षमा फरमाएंगे। नहीं मैं जरूर पढ़ता हूँ, पहलता हूँ, क्षमा फरमाई। कर्बला से सफर शुरू कर रहा हूँ, मौला अली का गाना चाहे तो क्षमा फरमाई सुनो। एक सदा पढ़ते मोहम्मद वाले सुनो। चार मिसरे और सुन लो, खुदा की कसम, अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, एक मदरस हूँ, समाज पर माई चार मिसरे हाजिर करता हूँ। सुनना मेरा दिल, सुनना इन्ना लाल लिखना। आज सुबह बहुत शेर सुने, बहुत शेर सुने, शेर सुनाता हूँ। इन्ना लाल लिखना, नहीं दुर्रे बेबहा लिखना, ना लाल लिखना, नहीं दुर्रे बेवहा लिखना, हमारे अश्कों को तस्की में फातिमा लिखना। न जाने क्या था कि आंखें मेरी छलक उठी, सिखा रहा था मैं बच्चों को कर्बला लिखना।
भी लगा ले लिखना नहीं दुर्रे बेबहा लिखना नहीं दुर्रे बेबहा लिखना हमारे इश्कों को तस्कीन फातिमा लिखना हमारे इश्कों को तस्कीन फातिमा लिखना हमारे इश्कों को तस्कीन फातिमा लिखना न जाने क्या था कि आंखें मेरी छड़क उठी सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना सिखा रहा था मैं बच्चों को भी नौजवान बैठे शेर पेश करता हूँ कि सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना ख्याले अकबर ओ सुगरा रहे निगाहों में ख्याले अकबर ओ सुगरा रहे निगाहों में जो खत में छोटी बहन को कभी दुआ लिखी ख्याले अकबर ओ सुगरा रहे निगाहों में जो खत में छोटी बहन को कभी दुआ लिखना सुनो हर दिल है आज देखिए सिद्दे नबी का घर दिल है आज देखिए सिप्ते नबी का घर लेकिन नहीं कहीं भी यजीद शफी का घर हर दिल है आज देखिए सिप्ते नबी का घर लेकिन नहीं कभी भी यजीद शफी का घर काबे का मत तवाफ करो शेर के दुश्मनों काबा तो है हुसैन के बाबा अली का लेकिन नहीं कहीं भी यजीद शफी का घर काबे का मत तबाह करो शेर के दुश्मनों काबा तो है हुसैन के बाबा अली का घर समाज फरमाइए छह शेर पेश करता हूँ तीन शेर इमाम हुसैन के हवाले से तीन शेर मौला अली के हवाले से समाज फरमाइएगा के खबर ये सबको बयान देना चाहते हैं खबर ये सबको बयान देना चाहते हैं हम इस जहान को फिर शान देना चाहते हैं खबर ये सबको ऐलान देना चाहते हैं हम इस जहान को फिर शान देना चाहते हैं जियो तो हक के लिए और मरो तो हक के लिए जो करबला का फरमान देना चाहते हैं नसीब जिनको हो खाके मदद बनाए मगर वो आसमानों पे सब जन्म देना चाहते हैं जो कह रहा है कि हैदर से हम नहीं वाकिफ हम उसके हाथ में कुरान देना नहीं वाकिफ हम उसके हाथ में कुरान देना चाहते हैं और अब ये शेर मेरा मेरा नहीं है मेरे इन नौजवान दोस्तों का शेर है सबक नहीं का कि नगर नसीब जिनको खा के नजर बढ़ाए मजार वो आसमानों पे तब ध्यान देना चाहते हैं जो कह रहा है कि हैदर से हम नहीं वाकिफ हम उसके हाथ में कुरान देना चाहते हैं कहां है नेजो खंजर पे नाज है जिनको है जिनको अली के इश्क में हम जान देना चाहते देखिए वक्त अपनी जगह सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि आप सब इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे कि मेरा खुद भी दिल नहीं चाह रहा है कि दिलकश साहब माइक से हटे इसलिए मैं अपनी जगह एज इट इज बैठा हुआ हूँ दिलकश साहब से गुजारिश गुजार हूँ अभी नमाज में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी है 10 से 12 मिनट बाकी 10 मिनट भी आप सुना सकते हैं जितनी स्पीड में आप पढ़ रहे हैं आइए तकलीफ लगे मेरे हक के पति हैं राजा अली फिरोज खान सर आप
आपकी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण नायकें खबर का हुक्म दिया है, जो शेर मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपकी खबर में करता हूँ। एक शेर के लिए समाप्त फरमाइएगा कि जब आफ्ताब सना का चमकने लगता है, जब आफ्ताब सना का चमकने लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नारेबाजी नहीं करता, जब आफ्ताब सना का चमकने लगता है हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है। क्या बात है, वाह वाह। जब आफ्ताब सना का चमकने लगता है हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है, हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है, दरे बुतूल का होता है तस्करा जब भी, फलक पे और भी शोभा चमकने लगता है। अली के जिक्र पे चेहरा चमकने लगता है, हम जिंदगी के नारों में अली के शेर सुनना, अली के जिक्र पे चेहरा चमकने लगता है, ये सोचकर कोई तस्ना दहन न वापस हो, ये सोचकर कोई तस्ना दहन न वापस हो, अंधेरी रात में दरिया चमकने रात में दरिया चमकने लगता है। हमें हुसैन में दो अश्क जिस पे गिर जाए, नजर में सबकी वो चेहरा चमकने लगता है। नजर में हमें हुसैन में दो अश्क जिस पे गिर जाए, नजर में सबकी वो चेहरा चमकने लगता है, नजर में सबकी वो चेहरा चमकने लगता है। नमाज का हो वजीफा जो जिक्र आले नबी, कसम खुदा की मुसल्ला चमकने लगता है। दुनिया को असरे आशूरा जो हाथ पे हो वो सजदा चमकने लगता है। शेर सुनना के आलम के साए में चलते हैं आग पर जब हम, हमारा नक्शे कबे पा चमकने लगता है। अलम के साए में चलते हैं आग पर जब हम, हमारा नक्शे कफे पा चमकने लगता है। नया शेर सुनना मेरा अजीज, के दरे बुदूल का होता है तस्करा जब भी, फलक पे और भी जोरा चमकने लगता है, बस एक बस है हम जिंदगी के मारों में, अली के जिक्र पे चेहरा चमकने लगता है, ये सोच कर कोई कच्चा दहन न वापस हो, अंधेरी रात में दरिया चमकने लगता है, हमारा जिस्म लिबास है अज़ा में क्यों न फिरे, नहीं कहूंगा कि वो अपना कलाम पेश कर रहे थे, बल्कि ये कहूंगा कि नमाज की अजान के वक्फे के लिए थोड़ी देर के लिए महफिल रोकी जा रही है। आप तमाम हाजरीन से ये गुजारिश है, दस बदतर गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि रात भर जो आपने सवाब हासिल किया है उसमें मजीद इजाफे के लिए बराए करम दो रकत नमाज फजर अदा कर लीजिए। उसके बाद आइए, मैं महफिल को आगे बढ़ाऊं, और ये कहना गलत होगा कि महफिल का दूसरा दौर, इसलिए अभी पहला ही दौर है, शायर हमारी पेरिश के शायर अभी मुकम्मल हुए नहीं है, लिहाजा पहला दौर ही है। बस थोड़ा सा वक्फा नमाज का बीच में था, नमाज हो गई, मोमिन ने नमाज अदा कर ली है, महफिल बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू होने जा रही है। कि अब
सोचिए रहा हूँ कि बहुत अच्छे मिसरे निकाल दूँ ताकि जहन आमदा हो जाए कि शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है। गालिब भाई आमदा है ना उसे सुनने के लिए रसूल में, शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है। शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है, यानी कुरान को भरोसा मेरे अब्बास का है। शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है। शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है, यानी कुरान को भरोसा मेरे अब्बास का है। शेर आप हजरात की जानिब से अपने आप को महसूस कीजिएगा, मौला पाक के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, महसूस कीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह न बोलने वाला इंसान भी बोलेगा। शाह खैमे में है, पहरा मेरे अब्बास का है, यानी कुरान को भरोसा मेरे अब्बास का है। राह पर हक की चलोगे तो ये कह सकते हो, राह पर हक की चलोगे तो ये कह सकते हो, और मैं ग्राम की मौजूदगी में शेर पेश कर रहा हूँ। राह पर हक की चलोगे तो ये कह सकते हो, मैं मुसाफिर हूँ ये रास्ता मेरे अब्बास का है। राह पर हक की चलोगे तो ये कह सकते हो, राह पर हक की चलोगे तो ये कह सकते हो, मैं मुसाफिर हूँ ये रास्ता मेरे अब्बास का है, मैं मुसाफिर हूँ ये रास्ता मेरे अब्बास का है। नफ्स का वजन बढ़ा देने से दब जाती है प्यास, नफ्स का वजन बढ़ा देने से दब जाती है प्यास, आजमाया हुआ नुस्खा मेरे अब्बास का है। नफ्स का वजन बढ़ा देने से दब जाती है प्यास, देने से दब जाती है प्यास, आजमाया हुआ नुस्खा मेरे अब्बास का है, आजमाया हुआ नुस्खा मेरे अब्बास का है। फिर आखिर एक शेर और इस सिलसिले का पेश कर रहा हूं बगैर किसी तमहीद के, शाखे में इस पर अकीनती से पेश कर रहा हूँ। शाखे में है, पहरा मेरे अब्बास का है, यानी कुरान को भरोसा मेरे अब्बास का है। राह पर हक के चलोगे तो ये कह सकते हो, मैं मुसाफिर हूँ ये रास्ता मेरे अब्बास का है। नफ्स का वजन बढ़ा देने से दब जाती है प्यास, आजमाया हुआ नुस्खा मेरे अब्बास का है। कि कर्बला मिल्कियत शाह शहीदा है, मगर इस पे हक सबसे ज्यादा मेरे अब्बास का है, इस पे हक सबसे ज्यादा मेरे अब्बास का है। तुमने अर्शी जो लिखा सब्र तहम्मुल पे कलाम, तुमने अर्शी जो लिखा सब्र तहम्मुल पे कलाम, शाह बोले ये कसीदा मेरे अब्बास का है। तुमने अर्शी जो लिखा सब्र तहम्मुल पे कलाम, शाह बोले ये कसीदा मेरे अब्बास का है। मैंने इन कीमती मिसरों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि मोमिन की फरमाइश है कि जहाँ से दिलकर साहब ने छोड़ा है वहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। मोमिन की जानिब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब दिलकर साहब गाजीपुरी की खिदमत में दस बच्चा गुजारिश है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोमिन मीरा रोड कह रहे हैं, आप मेरी बात काट दीजिए लेकिन मोमिन की बात रख लीजिए। तशरीफ ला रहे हैं नारे सवाल से इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने सत्ता से थक गया हूँ, कहना नहीं चाहिए, मैं छोटे पेशेंट, इतना पसीना निकल गया है कि अब मुझे इतना खास महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने किया था तीन बनाई, ज़रा समझ लेता है मुझे। समाज बनाइए, यहाँ से गुफ्तगू छोड़िए, समाज बनाइएगा। कमान तीर तबक नेजा ढाल और शमशीर, कमान तीर तबक नेजा ढाल और शमशीर, ये असलहे तो सितमदार लेके आए थे। कमान तीर तबक नेजा ढाल और शमशीर, ये असलहे तो सितमदार लेके आए थे। वह चकले हजरत अब्बास शामियों के लिए हुसैन बोर्डी तलवार ले, क्या करे, वाह 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 वाह
تیر تبر نیزہ ڈھال اور شمشیر یا اسلحے تو ستمگار لے کے آئے تھے بشکل حضرت عباس شامیوں کے لیے حسین بولتی تلوار لے کے آئے تھے چار مصرے اور عرض کرتا ہوں سماعت فرمائی گا کہ عالم وجد میں ہر شخص کو پایا جائے عالم وجد میں ہر شخص کو پایا جائے شیر ایسا کوئی محفل میں سنایا جائے شاہبان امام زمانہ کبھی زمانہ ہے سماعت فرمائی گا مولانا کہ عالم وجد میں ہر شخص کو پایا جائے شیر ایسا کوئی محفل میں سنایا جائے جانے کب آئے یہ پیغام اٹھو جنگ کرو لوریاں دے کے نہ بچوں کو سنا تین چار شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جس کی زبان پہ ذکر شہ کربلا رہا جس کی زبان پہ ذکر شہ کربلا رہا وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا کیا بات ہے جس کی زبان پہ ذکر شہ کربلا رہا وہ سوگوار سکھ رسول خدا رہا جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روشن فرش آزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا شفا پہ سجدہ معبود ہے گواہ شبیر جس طرف سے ادھر ہی خدا رہا کربلا کی طرف دیکھتا ہے